Hello friends, welcome to another lecture of VHDL tutorial. Today we are going to learn how to make OR gate using data flow modeling. Data flow modeling means implementation of the Boolean equation. NOR gate, जैसा कि OR gate हमने पढ़ा, OR gate के आगे अगर एक NOT gate हम लगा दें तो वो कहलाता है हमारा NOR gate. इसका सिंबॉल भी कुछ इसी तरह से है कि OR gate का सिंबॉल और उसके आगे हमने लगाया एक जीरो यानी कि एक बबल यानी कि डेड बबल रिप्रेजेंट्स द नॉट गेट हियर. तो इस तरह से ये बना हमारा नॉर गेट. इसका इक्वेशन होता है ए प्लस बी का बार और इसका ट्रुथ टेबल है जब भी आपके दोनों इनपुट्स लॉजिक ज़ीरो तब आपको आउटपुट मिलेगा वन एल्स हमें आउटपुट मिलेगा ज़ीरो यानी कि जीरो वन वन जीरो या वन वन जब भी हमारा होगा कोई भी एक भी हमारा इनपुट अगर लॉजिक हाई होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा लॉजिक ज़ीरो. इसका प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हमने लाइब्रेरी डिक्लेयर करी लाइब्रेरी आई ट्रिपल ई डॉट एस टी डी अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल यानी कि ये हमारा वी एच डी एल का पैकेज है. फिर हमने एक एंटिटी डिक्लेयर करी जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट हमने डिक्लेयर करे और आर्किटेक्चर में बिगिन और एंड के बीच में हम हमेशा लिखते हैं हमारे प्रोग्राम का लॉजिक. तो यहाँ पर हमने लिखा ए नॉर बी. नॉर हमारा कीवर्ड है जो कि वी एच डी एल में अवेलेबल है या ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर भी है जो हमने वी एच डी एल ऑपरेटर्स में पढ़ा. तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ए नॉर बी यानी कि ए प्लस बी बार जो इक्वेशन है इसका उसको हमने इम्प्लीमेंट किया. तो इसलिए ये कह रहा है हमारी डेटा फ्लो मॉडलिंग. ये इसका एंटिटी डिक्लेरेशन बॉक्स जब हम इसको ज़ाइलिंक्स सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं तो इस तरह से एक एंटिटी डिक्लेरेशन बॉक्स मिलता है जिसमें लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इनपुट यानी कि ए और बी एंड राइट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आउटपुट इट मींस सी. दिस इज द आरटीएल व्यू ऑफ नॉर गेट. जब इस एंटिटी डिक्लेरेशन बॉक्स पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का एक आरटीएल व्यू मिलता है और ये हमारा नॉर गेट का सिमुलेशन वे फॉर्म. इस सिमुलेशन वे फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि जब जब भी हमारे इनपुट कॉम्बिनेशन हैं 0 0 उस समय पर हमें आउटपुट मिल रहा है 1. जैसे कि यहाँ पर भी हमें आउटपुट मिल रहा है 1 तो हमारे इनपुट्स हैं इस समय पर 0 0. तो जहाँ जहाँ पर भी 0 0 है वहाँ वहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है 1. बाकी समय पर हमें आउटपुट मिल रहा है 0 यानी कि ये हमारे नॉर गेट के ट्रुथ टेबल को फॉलो करता है. थैंक यू. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें.